हालेलुया, सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को। आइए हम मेरी भविष्यवाणी के पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर आपकी आशीष को लेट नहीं करता। जिस तरह उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 की 1-2 आयत में लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर लेट करने वालों लोगों के लिए लेट करने वाला है, वो ढीले लोगों के लिए ढीला है और कसे हुए लोगों के लिए कसा हुआ है। कसे हुए का मतलब है कि वो लोग जो अपनी आशीष को लेट नहीं करना चाहते हैं, जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर में चल रहे हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी आशीष को लेट नहीं करना चाहता, आप खुद या पाप आपकी आशीष को लेट करते हैं। जिस प्रकार हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, तो उत्पत्ति 12:1 में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया है कि तू अपने पिता और कुटुंबियों के देश को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और अब्राहम ने ऐसा ही किया। आप जानते हैं कि अब्राहम के उस वक्त कोई संतान नहीं थी, परमेश्वर ने उसे 99 वर्ष की आयु में बेटे की आशीष दी थी। लेकिन जब हम उत्पत्ति 17:1 आयत को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन। क्या अब्राहम अभी भी सिद्ध नहीं था? मेरे प्रियो, हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में अभी भी कोई ना कोई कमी, छोटा मोटा पाप हो जो उसकी आशीष को लेट कर रहा हो, और उसके जीवन में पाप था झूठ बोलने का। लेकिन जब वो सिद्ध बना, तब परमेश्वर ने उसे आशीष किया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं प्रार्थना भी करता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, फिर जो आशीष मैं लेना चाहता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल रही? उसका कारण यही है कि अभी भी आपके जीवन में ज़रूर कोई ना कोई कमी हो सकती है, या कोई छोटा मोटा पाप हो सकता है, और जब तक आप उसे दूर नहीं करते, परमेश्वर आपको आशीषित नहीं करता। कई लोग ऐसे हैं कि वो जानबूझकर पाप करते हैं, इसका मतलब है कि वो वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं, फिर भी पाप करते हैं और अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को दूर नहीं करते, और यही कारण है कि वो अपनी आशीष को लेट करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आशीष लेट नहीं हो, तो अपनी हर कमी और छोटे मोटे पाप भी अपने जीवन से दूर करें, ताकि आप सिद्ध बने और परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। आमेन, आमेन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने हर छोटे से छोटे पाप के ऊपर फतह पा सकूं और अपनी आशीष को लेट ना होने दूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।